हाउ टू स्टे एक्टिव आफ्टर 55। पता है दोस्तों मैंने यहाँ पे 55 क्यों लिखा, 55। और ऐसा कहते हैं कि उम्र 55 की, दिल 55 का। नमस्कार, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कुछ वेलनेस टिप्स। अगर आप अपने 50s या 60s में हैं तो क्या हमें करना चाहिए। ये तो सबको ही पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, एंड लेकिन उसमें भी जो कुछ वेलनेस टिप्स हैं जो आप एक गुड पॉइंटर्स यहाँ से लेके जा सकते हैं, तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि फोर्थ पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली से रिलेटेड जुड़ी हुई सभी हेल्थ और फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड सभी बातों के बारे में। अब पॉइंट नंबर वन आप सबको पता है, लेकिन उसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर वन है रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये है, जैसे जैसे हमारी बॉडी की एज हो रही है, हमारा जो मसल मास है वो नेचुरली कम होता रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आपकी एज कितनी भी बढ़ रही हो, आपको अपने खाने में प्रोटीन जरूर इंक्लूड करना है, जिससे कि हमारा मसल मास बना रहे। वैसे तो एक्सरसाइज में ओल्ड एज के लिए भी ये कहा जाता है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है करने के लिए। लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि अगर आप 55 के हो चुके हैं और अभी तक भी आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जिम में नहीं करी, तो इस एज में आके शुरू अगर आप करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है। तो नंबर एक मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की या वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक अच्छे जिम ट्रेनर को हायर कीजिए, जो कि आपको इंजरी होने से बचाएगा। उसके अलावा जो रेगुलर एक्सरसाइज है, जो नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि जो हमारे नीज हैं, जो एंकल हैं, या फिर जो हाथ और पैरों के जॉइंट हैं, उन पे हमारे को जर्क नहीं आना चाहिए। तो जो एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग के अलावा हमें करना चाहिए वो है योग, वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। अब एक्सरसाइज को लेकर दूसरी बात एक ये भी आ जाती है कि एक्सरसाइज हम करें कब, समय कब है। सुबह के टाइम जो है एक्सरसाइज करना काफी बेनिफिशियल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट आ जाता है, कंसल्टिंग योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब फिर भी अब इतनी दूर से बैठ के मुझे आपकी मेडिकल कंडीशन नहीं पता है, लेकिन अगर आप कोई भी एक्सरसाइज शेड्यूल या रूटीन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर बात करें। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आपके डॉक्टर साहब हो सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट हो सकते हैं, या फिर आपके जो फिटनेस ट्रेनर है वो हो सकते हैं। वो आपकी हेल्थ कंडीशन और मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही आपको सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को रेकमेंड करेंगे और आपको करने की सलाह देंगे। हो सकता है किसी को डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या और किसी की तरह की मेडिकल कंडीशन है, और उस मेडिकल कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो आपने इंटरनेट पे करना सीखा हो या किसी थर्ड पर्सन के कहने पे आप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको करने से मना कर सकता है कि ये नहीं, इसके बदले आप ये एक्सरसाइज करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 50s में या 60s या 70s में अगर हमें किसी भी किस्म की इंजरी होती है तो उसको हील होने में, उसको रिपेयर होने में बहुत समय लगता है। और पॉइंट नंबर तीन में सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वो ये है हेल्दी ईटिंग एंड हाइड्रेशन। हेल्दी ईटिंग का तो आपको पता है, मैं और डिटेल में बता देता हूं, लेकिन हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन होता है जरूरत के मुताबिक हमें पानी पीना। तो मैंने जितनी इंटरनेट पर रिसर्च करी है और जितना मेरे को न्यूट्रिशन नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप यूरिन जा रहे हैं और अगर आपके यूरिन का कलर पेल येलो या बहुत हल्का येलो होना चाहिए, या तो फिर पानी जैसा कलर होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है। अगर आपका यूरिन येलोइश कलर का आ रहा है, इसका मतलब यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, आपको पानी पीने की जरूरत है। बात कर लेते हैं डाइट की, तो 55 साल की उम्र के बाद मेरे प्यारे दोस्तों जरूरत पड़ती है हमें लीन प्रोटीन की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। प्रोटीन को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। कोशिश ये करी जाती है कि कोई लाइट फूड लिया जाए जो डाइजेशन में आसान रहे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से अपने डाइट के अंदर आप प्रोटीन को इस्तेमाल जरूर करें, विच इज बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर मसल्स, नॉट ओनली फॉर बोन्स, बट ऑल्सो फॉर योर हार्ट हेल्थ। वेज प्रोटीन सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, उसका जो वीडियो है वो आई बटन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे हेल्दी फूड्स हैं जिनसे हम प्रोटीन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि पॉइंट नंबर चार बहुत इंपॉर्टेंट है,
लिसनिंग टू योर बॉडी बहुत ही बैलेंस है। देखिए अगर आप 55 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं तो सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को आप खुद समझते हैं। कई केसेस में मैंने देखा है, हमें ये लगता है कि जब मैं 20s में था या 30s में था तो मैं ये काम इजीली कर लिया करता था, मैं 5 किलोमीटर तो यूं ही दौड़ जाया करता था, और सडनली आप 10 साल बाद या 15 साल बाद सोचें कि आज भी मैं 5 किलोमीटर दौड़ूं विदाउट एनी प्रैक्टिस, ये आपकी बॉडी के ऊपर और बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर काफी स्ट्रेस डाल सकता है। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज रूटीन या प्लान आप रूटीन शुरू करना चाहते हैं तो बहुत धीरे 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 ही उसको ऊपर लेके चलें। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके चेस्ट में लगातार पेन हो रहा है तो जरूरत है कि आप अपने हार्ट का चेकअप करवाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें।